सलाम, नमस्ते, हेलो, केम छो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस पर। घड़ी की सुइया 5:30 बजा चुकी है दोस्तों, और आपके पीयूष सर आपके लिए लेके आ चुके हैं एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो आपके दिन की तो सुर्खियां बनती ही हैं, आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी बनते हैं दोस्तों। एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस को एक बार ताबड़तोड़ तरीके से सभी लोग क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे दोस्त, और दो से स्केड्यूल बहुत जानी है, नए लोग बिल्कुल जान लेंगे कि शाम को 6 बजे भी हमारी क्लास होती है 6 मंथ करेंट अफेयर्स की क्लास, बेस्ट 200+ क्लास ये शाम को होती है, सुबह 5:30 बजे करेंट अफेयर विद स्टैटिक जी के। ये दोनों क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है अगर आप एग्जामिनेशन में सफलता चाहते हैं दोस्तों। तो चलिए एक मोटिवेशनल कोट के साथ जो है आपके दिन की शुरुआत करते हैं। एक शेर है कि शह सवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो खुद घुटनों के बल चले, वो तिफल क्या गिरेंगे जो खुद घुटनों के बल चले। तो दोस्तों आप हमेशा जो है कि आगे फ्रंट पे खेलिए, जो भी परिणाम होगा देखा जाएगा, लेकिन दोस्तों असली योद्धा वो है ना जिस जो परिणाम की चिंता किए बिना लड़ जाए और एक एक आदमी 1,25,000 पे जो भारी कहलाए, वो हमारे देश के वीर जवान हैं, और आप भी जवान हैं जहां आपको लड़ना है एग्जामिनेशन हॉल में। और अभ्यास भूमि में बहाया गया पसीना रण भूमि में खून बचाता है मेरे दोस्त, ये अभ्यास भूमि है जहां दिन रात अपना खून पसीना एक कर रहे हो ताकि आप एग्जामिनेशन में अपना नंबर गेन कर पाओ। चलिए दोस्तों इसी मोटिवेशनल बातों के साथ आज यहां पर पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया, वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया। क्या बात है चेतन चौहान जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। राहुल, दिवाकर, ललिता, रोहित, सोनाली, अभिषेक, कुलदीप, हर्ष और बहुत सारे नाम ऊपर चले गए हैं, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, राम राम सभी लोगों को भाई। तो किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया मेरे दोस्त? तो उत्तराखंड में वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया दोस्तों। फॉरेस्ट में ऐसी बहुत सारी चीजें औषधियां होती हैं जिससे आपके बड़े बड़े रोग क्या कैंसर तक के जो चीजें जो है हील की जा सकती है। उत्तराखंड में दोस्तों ये तो खुला ही वन चिकित्सा केंद्र, वहां लाइकेन पार्क भी खुला था, मॉस गार्डन भी खुला था, मॉस मतलब होती काई, काई का गार्डन, लाइकेन जो काई की तरह पेड़ों के उस पे जमते हैं, तनों पे, डालियों पे, फंगस टाइप का वो कवक, लाइकेन पार्क भी वहां खोला गया। उत्तराखंड आजकल दोस्तों चर्चा में है दोस्तों, क्यों चर्चा में है? अब देखिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने हाल ही में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे दोस्तों? ये जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे जिस राज्य के मुख्यमंत्री थे वहां उन्होंने एक दिन का सीएम किसी को बना दिया था, किसको बना दिया था? सृष्टि गोस्वामी को बना दिया था, सृष्टि गोस्वामी को बना दिया था मेरे दोस्त। लेकिन अब आज देखिए वो दिन आ गया, देवभूमि कही जाती है कि इन्हीं को इस्तीफा देना पड़ गया और इन्होंने इस्तीफा दे दिया दोस्तों। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, इस्तीफा किसको दिया? वहां की गवर्नर को। तो गवर्नर कौन है? गवर्नर भी चर्चा में होंगी, बेबी रानी मौर्य। क्या नाम है? बेबी रानी मौर्य। आप अच्छा, बेबी रानी मौर्य और इन लोगों ने भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अभी गैरसैंण को वहां की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की थी, किसको? गैरसैंण को। तो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी उत्तराखंड की चुना गया है। उत्तराखंड बहुत सारे नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, फ्लावर ऑफ वैली नेशनल पार्क है, भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, बहुत सारे केदारनाथ नेशनल पार्क है, बहुत सारे नेशनल पार्क है दोस्तों जो यहां पर है। ठीक है, क्लियर है? वाह रोहित किशन जी, वेरी गुड, ऐसी एडिशनल जानकारी देखिए हमारे चैंपियन यहाँ पे देते हैं,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भावना है, रोहित है, शिवानी है, प्रतीक है, दशरथ है, ये बहुत बढ़िया। ये लोग जो है एडिशनल जानकारियां देते हैं। ऐसे ही हम चाहते हैं सभी चैंपियन हमारे इस लाइव सेशन में अपनी जानकारियों से भर दें, ताकि हमारे जो नए जो बच्चे आते जा रहे हैं उनको इन जानकारियों से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। इन हमारे चैंपियन से, इन हमारे चीतों से, इन हमारे शेरों से, इन हमारे डाल्डो से, इन हमारे लाडलों से, इन हमारे सुग्गा सुग्गियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। ये जो है कि हमारे डेली क्लासेस अटेंड करके सारी जानकारियां इकट्ठी करते हैं और फिर आपको कमेंट बॉक्स में देते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, OECD इंटरिम इकोनॉमिक आउटलुक हैज प्रोजेक्टेड इंडिया GDP ग्रोथ एट व्हाट परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2022। हिंदी में देखते हैं दोस्तों, OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, अपने अंतरिम आर्थिक दृष्टिकोण में इन्होंने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि का कितना अनुमान लगाया है, भारत की GDP वृद्धि का कितना अनुमान लगाया है। राधे राधे नजरुल हक जी, नजरुल हक जी को राधे राधे भैया, जय श्री कृष्णा। फटाफट बताएंगे दोस्तों, GDP वृद्धि का कितना अनुमान लगाया गया है, 12.6% OECD ने कहा है दोस्तों। अगला प्रश्न, अब दिमाग में जब OECD आता है ना, तो OECD का मुख्यालय भी तो दिमाग में आएगा। जब भी ऑर्गेनाइजेशन आपके दिमाग में है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो OECD का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, OECD का मुख्यालय वहीं पर है दोस्तों जहां पर यूनेस्को का मुख्यालय है। कहां पर यूनेस्को का मुख्यालय, यूनेस्को के 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कितने, 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत में, भारत में 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और यूनेस्को का भी मुख्यालय पेरिस में है, और OECD का भी मुख्यालय कहां है मेरे दोस्त, पेरिस में ही है। कहां पर है, पेरिस में ही है, हेडक्वार्टर पेरिस में है OECD का। OECD का आई थी 30 सितंबर 1961 को, और सेक्रेटरी जनरल है जोस एंजल गुरिया, जोस एंजल गुरिया इसके हेड है, प्रमुख है, याद रखेंगे OECD का। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, क्रिसिल ने भारतीय अर्थव्यवस्था को फाइनेंशियल 2022 में कितने परसेंट तक बढ़ने का अनुमान लगाया है। दोस्तों क्रिसिल, क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1987 में आई थी दोस्तों, मुंबई हेडक्वार्टर है। 1987 में आई थी दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा, इंडियाज फर्स्ट, इंडिया का पहला क्रेडिट रेटिंग है, इंडियाज फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इंडियाज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है दोस्तों। इंडिया का पहला भी है और सबसे बड़ा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जो 1987 में आया था दोस्तों, और मुंबई जिसका हेडक्वार्टर है, और मुंबई जिसका हेडक्वार्टर है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखिए जैसे मूवी भी देखने जाते हैं तो रेटिंग देख के जाते हैं कि हमारा टाइम ना बर्बाद हो, पैसा ना बर्बाद हो, एनर्जी ना बर्बाद हो। उसी तरीके से जब कोई कंपनी या कोई निवेशक निवेश करता है किसी कंपनी में, उसकी रेटिंग देखता है, भारत का GDP ग्रोथ अनुमान देखता है। तो दोस्तों 11% इन्होंने कहा है, इन्होंने कितना कहा है, 11% कहा है, और 11% ही तो हमारे NSO ने भी कहा था, यानी हमारी भारत सरकार की जो संस्था थी उसने भी तो यही कहा था ना दोस्तों। देखते हैं अलग अलग संस्थाओं ने क्या क्या कहा है। वर्ल्ड बैंक ने अगले साल के लिए कहा है 5.4%, इकरा ने 10.5 कहा है, न्यूमुरा ने 13.5 कहा है, फिच ने 11 कहा है, यूनाइटेड नेशन ने दोस्तों 7.3 कहा है, 11% SBI ने कहा है, 11.5% दोस्तों IMF ने कहा है, इंडिया रेटिंग ने कहा है दोस्तों 10.4%, स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग ने 10% कहा है, HSBC जो भारत का में ATM लाने वाला बैंक था 1987 में दोस्तों, तो दोस्तों ये HSBC ये भी 11.2%। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं मूडीज, मूडीज ने कहा है 13.7%, 13.7%, ठीक है।
आरबीआई ने कितना कहा है, आरबीआई ने कितना कहा है दोस्तों, 10.5% कहा है। कितना कहा है आरबीआई ने, 10.5% कहा है। ठीक है, तो भारत सरकार ने कितना कहा है, मतलब भारत सरकार की संस्था एनएसओ ने कितना कहा है, उसने 11% कहा है। कितना कहा है, 11% कहा है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों तो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिन्हें हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए, किस बैंक ने दोस्तों, किस बैंक ने स्मार्ट अप उन्नति मेंटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, स्मार्ट अप उन्नति मेंटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है दोस्तों, किसने लॉन्च किया है, एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया, एचडीएफसी बैंक की मदर कंपनी का नाम एचडीएफसी था, केवल एचडीएफसी। इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। फिर दोस्तों 1994 में इसने अपना एक कॉमर्शियल बैंक भी खोला जिसका नाम रखा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। इसके फाउंडर थे हसमुख भाई पारिक, है ना। आज भी जो मदर कंपनी एचडीएफसी, उसके जो है जो सीईओ चेयरमैन है, जो हेड है, वो दीपक पारिक ही है। ठीक है, इसके बाद एचडीएफसी बैंक में अभी हेड चुने गए दोस्तों शशिधर जगदीशन। बहुत दिन तक दोस्तों आदित्य पुरी जी सीईओ थे, बहुत दिन तक थे, रिटायर हो गए, तब जाकर के अब शशिधर जगदीशन जी को सीईओ बनाया गया है। तो पूछा जा सकता है शशिधर जगदीशन को हटा के मतलब किसको हटा के बनाया गया, तो आदित्य पुरी को हटा के बनाया गया। एचडीएफसी बैंक भारत की तीसरी नंबर की मूल्यवान कंपनी है। पहले नंबर पे मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज है, दूसरे नंबर पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, तो तीसरे नंबर पे दोस्तों आपका एचडीएफसी बैंक आ जाता है, एचडीएफसी बैंक आ जाता है मेरे दोस्त। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है और वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इसकी टैगलाइन है। इसका जो है एक पेजैप करके भी एक दोस्तों ऐप आता है, एक इसका ऐप आता है दोस्तों किसान धन ऐप, किसान धन ऐप आता है दोस्तों। इसी बैंक ने जो है आपका अपना मुंह बंद रखो अभियान चलाया था ताकि आप फ्रॉड से बच सके, और इसी बैंक ने दोस्तों आर्मी वालों के लिए किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था, किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था, 100 केजीसी कार्ड भी इसने किसान धन ऐप पे ही लॉन्च किया था, याद रहेगा सभी लोगों को। जियो नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्री है मुकेश अंबानी की, जियो का मार्केट कैपिटलाइजेशन में वहां तक पहुंच जाएगी अभी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक भारत की सबसे मूल्यवान बैंक है, इसलिए इसके बारे में इतना जानना जरूरी है, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। नैंसी करेंगे, हम तुम्हारी दुनिया जानते हैं। हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में किस देश को पहला स्थान मिला, हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। तो हेरिटेज फाउंडेशन दोस्तों ये यूएसए की है, ये कहां की है, यूएसए की है दोस्तों। इसके द्वारा इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है कि जारी किया गया, इसमें दोस्तों किस देश को पहला स्थान मिला है, तो इसमें सिंगापुर को पहला स्थान मिला है। अच्छा, सिंगापुर भारत में एफडीआई निवेश में भी पहले नंबर पे है, स्मार्ट सिटी में भी दोस्तों सिंगापुर पहले नंबर पे है, स्मार्ट सिटी में भी पहले नंबर पे है। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट दुनिया में बेस्ट एयरपोर्ट माना जाता है, सिंगापुर का डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर दुनिया का बढ़िया बैंक, वन ऑफ द बेस्ट बैंक माना जाता है, जिसने चेन्नई के हमारे लक्ष्मी विलास बैंक को जो है कि एक्वायर किया दोस्तों, अधिग्रहित किया है। सिंगापुर में लेबोरेटरी में बने मांस और चिकन और अंडों की बिक्री को अनुमति मिल गई है, लेबोरेटरी में निर्मित मांस बनाया जा रहा है सिंगापुर में। सिंगापुर दोस्तों फेशियल रिकॉग्निशन से लोगों को पहचान करके सेवाएं देने वाला, सरकारी सेवाएं, सरकारी योजनाओं का देने वाला पहला देश बना है दोस्तों सिंगापुर। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में एशिया पैसिफिक एरिया में भारत की रैंकिंग क्या है मेरे दोस्त, भारत की रैंकिंग क्या है, बेस्ट एयरपोर्ट चांगी है, सेफेस्ट एयरपोर्ट दूसरे नंबर पे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है दिल्ली का। आर्थिक स्वतंत्रता
सूचकांक में भारत की रैंकिंग है दोस्तों 26th रैंकिंग है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है जो है दोस्तों आपकी 26th रैंकिंग है मेरे दोस्त, याद रखेंगे 26th रैंकिंग, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आज तो लग रहा है जैसे रैंकिंग का ही दिन है। UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD का मुख्यालय जेनेवा में होता है दोस्तों, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड जेनेवा की मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी ना, वर्ल्ड से शुरू होके ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म होने वाले या इंटरनेशनल से शुरू होकर के ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म होने वाले हेड ऑफिस जेनेवा में होती है मुख्यतः, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल से शुरू होने वाले जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। कुछ अपवाद क्या है दोस्तों, एक्सेप्शन है, जैसे वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन स्पेन में मैड्रिड में है और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ये लंदन में है। दो इसके एक्सेप्शन भी हमारे पास हैं। तो दोस्तों इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, B2C e-commerce, B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर डायरेक्ट, जैसे Amazon Flipkart क्या है, ये B2C ही तो है, बिजनेसमैन डायरेक्ट कस्टमर से कॉन्टेक्ट कर लिया, बीच में होलसेलर रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर का चक्कर ही खत्म। तो B2C e-commerce इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है फटाफट बताएंगे। भारत की रैंकिंग इसमें 71th रैंकिंग है। कितनी रैंकिंग है? 71th रैंकिंग है। UNCTAD B2C ई-कॉमर्स इंडेक्स में किस देश को पहला स्थान मिला दोस्तों, कौन सा देश फर्स्ट रैंकिंग पे रहा है, कौन सा देश फर्स्ट रैंकिंग पे रहा है, ये फटाफट से बताएंगे मेरे दोस्त, फटाफट से। क्लियर है? बहुत बढ़िया। UNCTAD का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, बिल्कुल इसका पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर इसका पीडीएफ मिलेगा अन्नू सैफी, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो दोस्तों फटाफट से बताएंगे, स्विट्जरलैंड, बिल्कुल स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है दोस्तों। इसमें किस देश ने टॉप किया? स्विट्जरलैंड ने टॉप किया, जहां इसका मुख्यालय है उसी ने टॉप किया, बस इतने से याद रखना है ना। 71वें नंबर पे इंडिया है, पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे नीदरलैंड और तीसरे पे डेनमार्क है दोस्तों। तीसरे पे कौन सा देश है? डेनमार्क है। क्लियर रहेगा? चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, आइए अलग अलग इंडेक्स में, अलग अलग सूचकांकों में भारत की रैंकिंग देखते हैं। मानव पूंजी सूचकांक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 116वें रैंकिंग है, 116th रैंकिंग है। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में दोस्तों 89th 89 रैंकिंग है दोस्तों। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंकिंग 94th है दोस्तों। याद रखिएगा, भूखमरी वाले एक को दूर करने वाले संस्था यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रोम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रोम को ही इस बार का नोबेल पीस प्राइज मिला है दोस्तों। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दोस्तों 131वीं रैंकिंग है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दोस्तों जिसे कभी भारत के अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त सेन ने शुरू किया था पाकिस्तान के महबूब उल हक के साथ। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में दोस्तों मानव आजादी सूचकांक में 111वीं रैंकिंग है भारत की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, करप्शन वाले में हमारी रैंकिंग 86th है दोस्तों, और खुशहाली सूचकांक में 144वीं रैंकिंग है। और भी रैंकिंग बताते चलिए आप लोग, तो मजा ही आ जाए, और भी रैंकिंग बताते चलिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस खुशहाली में 144वीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दोस्तों कितनी है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63rd रैंकिंग है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63rd रैंकिंग है। फीफा में भारत की रैंकिंग कितनी है? फीफा में भारत की रैंकिंग 104 रैंकिंग है। फीफा में भारत की रैंकिंग 104 रैंकिंग है दोस्तों, ठीक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है दोस्तों? 142वीं रैंकिंग है, 142वीं रैंकिंग है, 142वीं रैंकिंग है।
इनोवेशन इंडेक्स में दोस्तों कर्नाटक ने भारत में लगातार दूसरी बार टॉप किया है, लेकिन ओवरऑल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? 48वीं रैंकिंग है। कितनी है? 48वीं रैंकिंग है ना। देखिए शिवानी बता रही है 86 रैंकिंग वैक्सीन में, रोहित बता रहे हैं ट्रांसपेरेंसी में 86, टेररिज्म में इंडिया की 7वीं नहीं है, 8वीं पोजीशन है अभिषेक। 7वीं तो पाकिस्तान की पोजीशन है, 7वीं पाकिस्तान की पोजीशन है। पासपोर्ट इंडेक्स में बहुत बढ़िया, पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? 85th रैंकिंग है। सबसे स्ट्रांग पासपोर्ट कहाँ का है? जापान का है, जहां पे सबसे ज्यादा देशों में उसके पासपोर्ट से जाया जा सकता है। यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT बॉम्बे की रैंकिंग 172वीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते। बहुत सारे इंडेक्स आज हम लोगों ने रिवाइज कर लिए। उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिसने मोटेओ पॉलीकॉन रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, और विश्व की नंबर वन रैंकिंग को दोबारा हासिल कर लिया, वो दोबारा हासिल कर लिया दोस्तों। ठीक है, क्लियर है, बताइएगा। सोचो भारत के रेसलर हैं दुनिया के नंबर वन रैंकिंग पे थे, भारत के रेसलर हैं दुनिया में नंबर वन रैंकिंग पे थे दोस्तों, वापस से दोबारा वन रैंकिंग पा लिए हमारे बजरंग पुनिया। हमारे बजरंग, नाम ही बजरंग है भाई, बजरंग पुनिया ने वापस से दोबारा रैंकिंग हासिल कर ली, फर्स्ट रैंकिंग, दुनिया के नंबर वन पहलवान हमारे भारत का। हिंदी पुस्तक अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान के लेखक कौन है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति रानी ट्रम्प है। तो दोस्तों यहाँ पे हिंदी वर्जन भी आ गया, इंग्लिश वर्जन भी है दोस्तों। डायनेस्टी, डायनेस्टी मतलब नेहरू गांधी परिवार, जहां से राहुल गांधी जी युवराज जो है चुनके हमेशा से आते थे अमेठी से। लोग कहते थे रायबरेली अमेठी का किला कभी ध्वस्त नहीं होता, लेकिन किसी ने कहा कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और दोस्तों मेहनत करके स्मृति ईरानी ने, स्मृति ईरानी जो महिला बाल विकास मंत्री और टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, उन्होंने अमेठी से दोस्तों, अमेठी लोकसभा चुनाव में उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया दोस्तों। ये कारनामा, ये चमत्कार कर दिया। राहुल गांधी जी को पहले ही समझ में आ गया था कि वो हार जाएंगे, सर्वे रिपोर्ट इन लोग को बता देते हैं, इंटरनल रिपोर्ट। तो ये केरल से भी जाके चुनाव लड़ गए थे, और केरल से चुनाव लड़ते ही समझ में आ गया था कि अब ये सीट इनका बचना मुश्किल है। अगर ये वहां से नहीं लड़ते दूसरी जगह से तो फिर भी जीत जाते। अनंत विजय, अनंत विजय दोस्तों ने ये बुक जो है कि लिखी है। ये बुक किसने लिखी है दोस्तों? अनंत विजय, अनंत विजय ने लिखी है। ठीक है, याद रहेगा सभी लोगों को, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद दोस्तों एक बुक है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया, द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल। द फ्रंटियर गांधी के नाम से उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, अपनी आत्मकथा। अगर यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी लिखा है इसका मतलब उन शख्स ने खुद लिखी थी। फ्रंटियर गांधी कहते किसको है दोस्तों? फ्रंटियर गांधी एक पाकिस्तानी व्यक्ति को कहते हैं, वो पाकिस्तानी व्यक्ति जो कि कभी पाकिस्तान नहीं चाहता था कि बने, लेकिन क्योंकि उनका घर पाकिस्तान वाले भौगोलिक एरिया में था तो पाकिस्तान में उनको रहना पड़ा। उनका नाम था दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान। ये पहले विदेशी व्यक्ति थे दोस्तों जिन्हें जो है भारत रत्न मिला था। एक पाकिस्तानी व्यक्ति को हमारे देश ने भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भी दिया था, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने भाई पाकिस्तान में इनकी क्या परिस्थिति रही होगी, माई लाइफ एंड स्ट्रगल इन्होंने आत्मकथा लिखी थी कि नहीं लिखी थी? तो भैया ये इन्हीं की आत्मकथा है, ये खान अब्दुल गफ्फार खान की आत्मकथा है जिन्हें फ्रंटियर गांधी कहते हैं। पहला विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला था
वो भी फ्रंटियर गांधी थे। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभिषेक चतुर्वेदी जी पूरा जो है खाका लेके आ गए, बहुत बढ़िया। द बुक वॉज ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश बाई इम्तियाज अहमद साहिब जादा। अब इस बुक को अंग्रेजी में अनुवाद किया ताकि पूरी दुनिया पढ़ सके। किसने? इम्तियाज अहमद साहिब जादा ने जो है इसे लिखा है, इसलिए पाकिस्तान में ही नहीं भारत में भी सुर्खियों में है, क्योंकि इस बुक के ट्रांसलेट होने के बाद बहुत सारे लोग इन्हें अब्दुल गफार खान के बारे में और बेहतरीन जाना होगा। ये पाकिस्तान के सिविल सर्वेंट थे और ऑथर थे दोस्तों, ये ऑथर भी हैं इम्तियाज अहमद साहिबजादा, इसके अंग्रेजी अनुवादक हैं, इसे याद रखिएगा, इसके अंग्रेजी अनुवादक हैं। कुछ क्वेश्चंस के हम लोग रिवीजन इंपॉर्टेंट करते हैं दोस्तों। इसमें ये फेहरिस्त में ये क्वेश्चन है आपके सामने कि फेडरल रिजर्व बैंक जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, अमेरिका का सेंट्रल बैंक है जैसे भारत का आरबीआई है, उसके पहले उपाध्यक्ष और सीओओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। कल दोस्तों मैंने आपको आरबीआई के बारे में एक एक बात पढ़ाई है, डेढ़ घंटा खाली आरबीआई पढ़ाया है दोस्त, खाली आरबीआई का स्ट्रक्चर बताया है। कल 7:30 बजे रात को 7:30 बजे से 9 बजे तक जो मैराथन क्लास चली है, जो करीब 35-36 हजार व्यूज के साथ जो है कि ओपन हुई थी, उसमें मैंने लास्ट में आरबीआई के बारे में पढ़ाया है दोस्तों। बीच में करंट अफेयर पढ़ाया है 1:30 बजे से 3 बजे तक, और रात को 7:30 बजे से 9 बजे तक बैंकिंग पढ़ाई है, आरबीआई के बारे में डिटेल पूरा बताया, क्योंकि आरबीआई की वैकेंसी है, आरबीआई का एग्जाम होने वाला है आपका, तो आरबीआई के बारे में कल मैंने पढ़ाया है मैराथन क्लास में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, कल आप लोगों ने उसको प्यार भी बहुत अच्छा दिया। 12 घंटे की जो क्लास थी उसका एवरेज वॉच टाइम जो था वो 8 मिनट से ज्यादा का था दोस्तों, मतलब अगर 36,000 बच्चों ने देखा 8 मिनट से ज्यादा 12 घंटे तक, सोच सकते हैं आप कितनी बड़ी बात है। तो दोस्तों ये जो है सब आप लोगों के भरोसे की वजह से संभव हो पाया है कि नहीं। नौरीन हसन जी दोस्तों, नौरीन हसन एक भारतीय अर्थशास्त्री को फेडरल रिजर्व बैंक के पहले वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं पे लिगिया नोरोन्ना को दोस्तों यूनाइटेड नेशन ने अपना एसोसिएट सेक्रेटरी जनरल चुना है, ये भी भारत के, ये भी भारतीय मूल की है दोस्तों, ये भी भारत की है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है कि नहीं। चलो, फेडरल रिजर्व बैंक के सीईओ कौन है? जॉन सी विलियम्स है, चेयरपर्सन जेरोम पॉवेल है। 1913 में इसकी स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर, फेडरल रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर याद रखेंगे न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है दोस्तों, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। ठीक है, क्या हो गया प्रतीक को? प्रतीक को कैसा ऑल द बेस्ट बोला जा रहा है? आज कोई एग्जाम है क्या कि आज इंटरव्यू है प्रतीक का? क्या है भैया प्रतीक जी? प्रतीक तो वैसे भी बस्त करके आएगा, क्या है आज? इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का शीर्ष प्रायोजक कौन सी कंपनी बनी है दोस्तों? ये बनी है वीवो। कौन सी कंपनी बनी है? वीवो। पिछली बार आईपीएल होने वाला जो हुआ है अभी आईपीएल 13, उसकी जो है कौन थी? ड्रीम 11 थी। आईपीएल 14 की कौन बनी है? वीवो बनी है। ठीक है, बाइजूस इंडियन क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर है और बाइजूस के कपड़ों की स्पॉन्सर है मोबाइल प्रीमियर लीग, और अमूल कंपनी अफगानिस्तान की जो है स्पॉन्सर है, और आईपीएल की तर्ज पर महिला वुमेन लीग भी हुआ था आपका वहीं पर, कहां पर? यूएई में ही भारतीय महिला वुमेन लीग जो हुआ था उसकी स्पॉन्सर रिलायंस जियो है, उसकी रिलायंस जो है रिलायंस जियो है दोस्तों। भारत ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत फाइनल में किस देश की क्रिकेट टीम का सामना करेगा दोस्तों? तो याद देखिए, पहले नंबर पे इंडिया है, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है, पहले नंबर पे इंडिया है दोस्तों, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है। सीरीज इंडिया ने 6 जीत खेले हैं, पाकिस्तान ने 5, अरे न्यूजीलैंड ने 5 खेले हैं। इंडिया ने 12 जीते हैं दोस्तों, न्यूजीलैंड ने 7 जीते हैं, 4 दोनों ने हारे हैं, 1 ड्रॉ हुआ है इंडिया का। ठीक है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया अगर 2 ओवर स्लो नहीं फेंकता, तो उसके ऊपर जुर्माना नहीं लगा होता तो उसको पॉइंट थोड़े ज्यादा मिल जाते, और दोस्तों वो होता फाइनल में,
बात देखो 70 पॉइंट इसका है और इसका देखिए 69 है, बस थोड़े से परसेंटेज से थोड़ा सा ये पीछे रह गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और वहां देखा जाए तो सबसे ज्यादा मैच जीता है इंग्लैंड 11 मैच, ऑस्ट्रेलिया ने भी न्यूजीलैंड से ज्यादा जीता है, लेकिन न्यूजीलैंड का पॉइंट ज्यादा है इसलिए न्यूजीलैंड को यहाँ पे विनर घोषित किया गया है, विनर घोषित किया गया क्योंकि न्यूजीलैंड ने एक भी मैच ड्रॉ नहीं कराया दोस्तों, एक भी मैच ड्रॉ नहीं कराया था, ठीक है। याद रहेगा जो है यहाँ पे भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मैच होने वाला है, कहाँ पर मैच होगा, साउथहैम्पटन में होगा, 18 जून को होगा ना, 18 मई या 18 जून, गर्मी में 18 जून में ही होगा शायद या 18 मई में, मुझे कंफ्यूजन हो गया, 18 जून को होगा, साउथहैम्पटन में होगा दोस्तों। अब आगे अपना नंबर कौन सा स्टैटिक जीके का, कल हम लोग ने जहां से पढ़ा था दोस्तों फर्स्ट इन इंडिया, उसके आगे से आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि भारत में पहली बार वेस्ट से एनर्जी प्लांट किसने लगाया था, भारत में पहली बार वेस्ट से एनर्जी प्लांट दोस्तों किसने लगाया था, वेस्ट से एनर्जी प्लांट भारत का पहला कौन लगाया था, दिल्ली मेट्रो। हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों आज स्टैटिक जीके में भारत में प्रथम, भारत में प्रथम, भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ लग रहा है, सोलर पार्क कहाँ बन रहा है, गुजरात में बन रहा है दोस्तों। भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ बन रहा है दोस्तों, भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर पार्क ओंकारेश्वर बांध पर एमपी में बन रहा है, कहाँ बन रहा है, एमपी में बन रहा है। भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है दोस्तों, आसाम का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। भारत का सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा है, केरल का कोचीन एयरपोर्ट है, जिसे यूनाइटेड नेशन ने चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भी दिया था दोस्तों, अवार्ड भी दिया था। भारत का पहला गार्बेज कैफे कि आधा किलो गार्बेज ले आओ और नाश्ता कर लो और एक किलो गार्बेज ले आओ खाना खा लो, तो दोस्तों ये गार्बेज टू गार्बेज कैफे अंबिकापुर ने शुरू किया था, किसने शुरू किया था, अंबिकापुर ने शुरू किया था, ठीक है, अंबिकापुर नगर पालिका ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत ने गठिया जोड़ों के दर्द और पैर की बीमारियों से पीड़ित हाथियों के लिए पहला हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र कहाँ खोला दोस्तों, यानी कि भारत के हाथियों के आर्थराइटिस के लिए हॉस्पिटल कहाँ खोला गया, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जा रहा है लगातार 2 साल से, तो दोस्तों ये मथुरा में ओपन किया गया, कहाँ पे ओपन किया गया, मथुरा में है, मथुरा में दोस्तों। ये है अभी पुलिस वाला जो है कि एक यूनिवर्सिटी ओपन किया गया ग्रेटर नोएडा में, यूपी में ही गिद्धों का प्रजनन केंद्र खोला गया है महाराजगंज में दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। और जानवरों का वॉर मेमोरियल मेरठ में ओपन किया गया, जानवरों का वॉर मेमोरियल कहाँ ओपन किया गया, मेरठ में ओपन किया गया दोस्तों। विंग सूट स्काई ड्राइव जंप करने वाले, विंग सूट स्काई ड्राइव जंप करने वाले पहले भारतीय वायुसेना के पायलट कौन है, पहले भारतीय वायुसेना के पायलट कौन है। कल मैंने आप लोगों को महिला पायलटों के बारे में बताया था, राफेल उड़ाने वाली पहली कौन और अकेले जेट चलाने वाली पहली कौन, अटलांटिक ओशियन पार करने वाली पहली कौन, कल मैंने बहुत सारे भारत में प्रथम रात को माप को लास्ट में बताए थे, बहुत सारे भारत का पूरा कैबिनेट बता दिया था नेहरू जी का, ये पहला लॉ मिनिस्टर कौन, पहला उद्योग मंत्री कौन, पहला फॉरेन मिनिस्टर कौन, ये सब कुछ कल मैंने बताया था आप लोग को, पूरा कैबिनेट बताया था। आज उसके आगे से हम लोग चल रहे हैं। विंग कमांडर तरुण चौधरी बिना पैराशूट के कूद गए दोस्तों, कैसे कूद गए, एक विंग सूट ड्राइव पहन के कूद गए दोस्तों, ऐसा वाला पूरा सूट पहन के कूद गए और ऐसा करने वाले पहले पायलट बने हैं भैया, इतने आसमान से देख लो इतने ऊंचाई से कूद गए भैया, तरुण चौधरी जी को सलाम है। भारत का पहला स्वदेशी पेमेंट गेटवे रुपे कार्ड, इसके पहले हम लोग विदेशी यूज करते थे वीजा मास्टर कार्ड साइरस, लेकिन दोस्तों भारत ने अपना स्वदेशी पेमेंट गेटवे बनाया और उसे सबसे पहले किस देश को दिया दोस्तों, किस देश ने सबसे पहले यूज किया भारत के अलावा, तो फर्स्ट कंट्री जिसने एक्सेप्ट किया रुपए को वो भूटान था। भूटान को ही हम लोग ने दोस्तों कोरोना की वैक्सीन भी सबसे पहले दी है, सबसे पहले दी है, ठीक है, याद रहेगा, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। डीआरडीओ का फायर इंस्टीट्यूट दिल्ली में राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया, दिल्ली डीआरडीओ का फायर इंस्टीट्यूट दिल्ली में, प्रतीक, वेरी गुड वेरी गुड। खुशहाली सूचकांक जारी करने वाला भी पहला देश भूटान ही है।
भूटान में दोस्तों हम लोग का मंगदेक्षु जल विद्युत परियोजना चलता है, हमने बना के उसको दिया है, जो एग्जाम में पूछ भी लिया गया था कि मंगदेक्षु जल विद्युत परियोजना किस देश में है। करतारपुर कॉरिडोर हमने खोला था, जो गुरु नानक देव जी का समाधि स्थल है वो पाकिस्तान में है, भारत बॉर्डर से 4 किलोमीटर दूर, वो करतारपुर कॉरिडोर भारत पाकिस्तान के बीच में है। सातूत बांध भारत और अफगानिस्तान के बीच में है दोस्तों, यानी कि भारत और भारत ने अफगानिस्तान को बना के दिया है सातूत बांध। तो चाबहार पोर्ट भारत ने ईरान को दिया, तो ईरान में है, भारत ने बनाया। तो ऐसे याद रखिए, भारत जिन देशों में कुछ बना रहा है उसे याद रखेंगे, ठीक है। भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, पहला जो है दोस्तों पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ ओपन हुआ है, पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ ओपन हुआ दोस्तों, यमुना एक्सप्रेस वे पर ग्रेटर नोएडा में। भारत का पहला रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ है दोस्तों, भारत का पहला रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ है, रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ है दोस्तों, रेलवे यूनिवर्सिटी है वडोदरा में, कहाँ पे, वडोदरा में है, वडोदरा गुजरात में। वहीं पर दोस्तों रेलवे म्यूजियम कहाँ है, रेलवे म्यूजियम कहाँ है दोस्तों ये बताइए, रेलवे म्यूजियम कहाँ है, रेलवे म्यूजियम बना है हुबली में, कहाँ बना है, हुबली में रेलवे म्यूजियम बनाया गया है, ठीक है, याद रहेगा। भारत का रेलवे म्यूजियम कहाँ बनाया गया, हुबली में बनाया गया। समुद्री विरासत, समुद्री नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम कहाँ बनाया गया है दोस्तों, लोथल में बनाया गया है, पुर्तगाल की मदद से, लोथल गुजरात में। लोथल गुजरात आपको याद हो तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह रहा है, तो लोथल गुजरात में दोस्तों नेशनल मैरीटाइम संग्रहालय बनाया गया है पुर्तगाल की मदद से। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में मसाला बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, केरल है, केरल जो है मसाला बॉन्ड लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च करने वाला पहला राज्य है। निपा वायरस सबसे पहले कहाँ आया था, केरल में, चमगादड़ से फैला था। कोरोना वायरस सबसे पहले कहाँ आया, केरल में आया, ठीक है, इसलिए ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी ओपन करने वाला पहला राज्य केरल। इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर भी ओपन करने वाला पहला राज्य कोझिकोड केरल ही है। कोझिकोड केरल में दोस्तों भारत का पहला जेंडर पार्क भी बना है, क्योंकि महिलाएं यहाँ ज्यादा है ना, तो महिलाओं के लिए इक्वलिटी की बात की जाती है, यहाँ पे महिलाएं ज्यादा, 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर दोस्तों, 1084 जो है महिलाएं हैं यहाँ पर। जेंडर पार्क कोझिकोड केरल, कोझिकोड केरल में भारत का पहला जेंडर पार्क, भारत का पहला इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर, भारत का पहला सौर ऊर्जा द्वारा संचालित लघु रेलगाड़ी मिनिएचर ट्रेन, सोलर पावर से चलने वाला मिनिएचर ट्रेन भी दोस्तों यहीं पर शुरू किया गया, मिनिएचर ट्रेन भी यही शुरू किया गया। सब्जियों का MSP डिसाइड करने वाला भी पहला राज्य केरल ही है। 100% डिजिटल एजुकेशन भी इसी ने शुरू किया दोस्तों, और डिजिटल यूनिवर्सिटी भी भारत का पहला इसी ने शुरू किया है, डिजिटल यूनिवर्सिटी भी इसी ने शुरू किया है, भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी, ठीक है, केरल में ही शुरू किया गया, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। चलिए, ह्यूमन मिल्क बैंक भी केरल में ही बना है, वेरी गुड रोहित शिवानी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रतीक इंटरव्यू है आज, अच्छा, वेरी गुड भैया, एकदम तथास्तु, एकदम भैया आप लोग एकदम जीत हासिल करके आना, एकदम भैया किला फतेह करके आना, आपके बारे में पूछा जाएगा, आपके एकेडमिक के बारे में पूछा जाएगा और बैंक के नॉर्मल इश्यूज के बारे में पूछा जाएगा, एकदम टेंशन मत लेना, ठीक है, बहुत बढ़िया। हरिओम सोनी कह, सर आपके आशीर्वाद से RRB क्लर्क में सेलेक्ट हो गया हूँ। भैया आशीर्वाद ऊपर वाले का है, मेरी मेहनत थी, तुम्हारी मेहनत थी, हम दोनों की मेहनत एक हुई और सिलेक्शन हो गया तुम्हारा। भाई मैंने आप लोग को जी जान से तबीयत से पढ़ाया था दोस्तों, रात रात को 12 बजे तक पढ़ाता था, सुबह 5:30 बजे फिर आ जाता था आप लोग के लिए करंट अफेयर तैयार करके। मैंने 3 महीने रातों को सोया नहीं हूँ तुम लोग के, जब तक मेंस एग्जाम नहीं हो गए, तो दोस्तों उसी का ये रिजल्ट है कि तुम लोग आज जो है सिलेक्शन ले रहे हो, पूरा आशीर्वाद है। प्रतीक तो मेरे को कभी भी फोन कर सकता है, प्रतीक के पास मेरा नंबर भी है, प्रतीक तो रिव्यू एनालिसिस देता है, तुम लोगों को कितनी मदद पहुंचाया उसने। 100 युद्ध पोत बना करके भारत को देने वाला पहला शिपयार्ड कौन सा है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है,
जीआरएससी है, गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है दोस्तों, ये है ठीक है। इसके बाद दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित तोप कौन सा है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित तोप कौन सा है, फटाफट बताइएगा। धनुष है, कौन सा है, धनुष है भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित तोपखाना। वाह वाह हरिओम सुनी, बहुत बढ़िया, थैंक्स ऑल सर, कट ऑफ से 32 मार्क ज्यादा है। मैंने कहा था ना जीए में नंबर अगर आ गया तो तुम 20 नंबर से आगे लीड करोगे, और अगर जीए में नहीं नंबर ला पाए, एक दो नंबर से लीड करोगे, वो फिर कैटेगरी फैटेगरी में इंटरव्यू में गड़बड़ा जाता है। इसीलिए जीए में ही आप स्कोर करके इतने ऊपर चले जाते हो, इतने ऊपर चले जाते हो कि फिर कोई आसपास दिखता नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारत का पहला एसएसबी दोस्तों नेवी का, अभी तक एसएसबी जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता था, जो आर्मी की पूरा ट्रेनिंग होती है, जो सिलेक्शन करता है, वो अभी तक इंडियन आर्मी का था, लेकिन इंडियन नेवी ने भी अपना पहला बनाया, डायमंड हार्बर में बनाया, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में, नेवी का भी पहला एसएसबी बनके तैयार है, पहला एसएसबी बनके तैयार है, ठीक है। वीडियो अभी तक किसी ने सेंड नहीं किया सिलेक्टेड लोगों ने सक्सेस स्टोरी के लिए, बहुत गंदी बात है, बहुत गलत बात है। वीडियो आप लोग कब भेजोगे, फटाफट बताओ, वीडियो बना के भेजो, जितने लोग सिलेक्टेड हो गए हो अपनी सक्सेस स्टोरी बना करके वीडियो भेजिए। पहली आईपीएस ऑफिसर जिसने सातों पर्वतों की, सातों महाद्वीपों की सातों पर्वत चोटी पे विजय हासिल कर ली, सातों महाद्वीपों की सातों पर्वत चोटी पे विजय हासिल करने वाले दोस्तों पहली आईपीएस ऑफिसर कौन है, अपर्णा कुमार है दोस्तों। कौन है, सातों महाद्वीप की सातों पर्वत चोटी जो चढ़ लेता है उसे कहा जाता है सेवन समिट चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। क्या कहा जाता है कि सेवन समिट चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, क्लियर है। तो अपर्णा कुमार को यहां पे बनाया गया दोस्तों। जब बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने अमेरिका में नरेंद्र मोदी जी को गोल्डन गोलकीपर अवार्ड दिया था उनके स्वच्छ भारत अभियान के लिए, तो उस समय चेंजमेकर अवार्ड भी मिला था एक बच्ची को, एक पहली भारत बच्ची 17 साल की राजस्थान की पायल जांगीर। 13-14 साल की उम्र में इसकी शादी हो रही थी, बाल विवाह, ये मंडप से उठ के भाग गई, और इसके बाद दोस्तों इसने अपने गांव में किसी की शादी नहीं होने दी, बाल विवाह, बच्चियों को पढ़ाती है और स्कूल जाने के लिए प्रेरित करती है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी के बचपन बचाओ आंदोलन में शामिल भी हो चुकी है ना। तो ये है राजस्थान की पायल जांगीर दोस्तों, है ना, ऐसे खतरनाक लोग हैं हमारे पास। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दोस्तों पहली बार एक वुमेन डायरेक्टर चुनी गई थी, पहली महिला स्वतंत्र निदेशक, उनका क्या नाम था, जयश्री व्यास नाम था, क्या नाम था, जयश्री व्यास। पहली महिला मैच रेफरी चुनी गई थी दोस्तों, मैच रेफरी कौन चुना गया था, जीएस लक्ष्मी चुनी गई थी ना आईसीसी के द्वारा, पहली बार महिला मैच रेफरी चुनी गई थी जीएस लक्ष्मी। अभी पहली महिला अंपायर चुनी गई है दोस्तों, जो एग्जाम में पूछ लिया था, फर्स्ट वुमेन्स डे था ना 8 तारीख को, तो वुमेन्स याद रखो, फर्स्ट वुमेन अंपायर जिसने अंपायरिंग की है पुरुषों के मैच में, वो कौन है, ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसॉक दोस्तों, ये एग्जाम में अभी क्वेश्चन पूछा था, याद रखिए, क्लेयर पोलोसॉक पहली महिला अंपायर अभी चुनी गई है, पहली महिला अंपायर चुनी गई है। सर मेरा एग्जाम है स्टेनो का, करंट अफेयर तो यहाँ से हो जाएगा, बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी अगर ये सब आता है तो फिर आपको वो अलग से बस पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री पॉलिटी है ना साइंस वो सब अलग से, करंट अफेयर तो हो ही जाएगा, करंट अफेयर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में दोस्तों अभी तक कोई महिला कुलपति नहीं बना था, दोस्तों तो पहली बार महिला कुलपति कौन बना था, नजमा अख्तर बनी थी, कौन बना था दोस्तों, नजमा अख्तर पहली महिला कुलपति बनी थी जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली में। अब इसके बाद दोस्तों आपको कुछ इंडिया फर्स्ट पुरुषों में बताते हैं, राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, ठीक है, लॉर्ड लुई माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल,
केएम करियप्पा साहब भारत के पहले कमांडर इन चीफ जब ये नियुक्त हुए थे 15 जनवरी को हम लोग आर्मी डे मनाते हैं, और जब ये रिटायर हुए थे 14 जनवरी को तो हम लोग वेटरन डे मनाते हैं। भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। सैम मानिक शाह जिन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, ये भारत के पहले फील्ड मार्शल बने थे। फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होता दोस्तों, इसलिए इनको फील्ड मार्शल बनाया गया था क्योंकि रिटायरमेंट ले रहे थे, तो भारत सरकार ने इनको फील्ड मार्शल बना दिया। जीबी मावलंकर दोस्तों लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे दोस्तों। इन्हीं के बर्थडे पर हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले होम मिनिस्टर थे और भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे दोस्तों। भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार पटेल, जिन्हें हम कहते हैं सरदार, जिन्हें हम कहते हैं लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया। आर के शणमुगम चेट्टी भारत के पहले दोस्तों वित्त मंत्री थे, जिन्होंने 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया था आजाद भारत का। वी नरहरि राव दोस्तों भारत के पहले सीएजी थे, भारत के पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे, है ना, भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो भारत के खातों की जांच करता है सरकार के दोस्तों। इसके बाद धर्मनाथ प्रसाद कोहली, डीवी कोहली जो है भारत की सीबीआई के पहले निदेशक थे, सीबीआई के पहले डायरेक्टर थे। ऑसबॉर्न स्मिथ दोस्तों आरबीआई के पहले गवर्नर थे, दूसरे गवर्नर जेम्स टेलर थे जिन्होंने नोटों पे पहली बार सिग्नेचर किया था, और सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। मुरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी को हराया, पहली बार कांग्रेस हारी इमरजेंसी के बाद, तो मुरारजी देसाई ही प्रधानमंत्री बने थे। मुरारजी देसाई गुजराती थे, इन्होंने आजाद भारत की पहली नोटबंदी की थी 1978 में। नोटबंदी वैसे 1948 में हो चुकी थी जब 10,000 का नोट बंद हुआ था, लेकिन 1978 में 10,000, 5,000 और 1,000 का नोट बंद हुआ। आप सोचोगे 10,000 का नोट, तो 10,000, 5,000 का नोट 1954 में दोबारा शुरू हुआ। अब उसके बाद फिर 1,000 का नोट बंद हो गया, लेकिन 22 साल बाद सन 2000 में फिर शुरू हुआ। फिर तीसरी बार नोटबंदी हुई 8 नवंबर 2016 को, 1,000 का भी नोट बंद हो गया। तो इस तरीके से 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। क्लियर है, याद रहेगा ना, चलिए बहुत बढ़िया। मुरारजी देसाई दोस्तों सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति भी है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन है, मुरारजी देसाई है। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे दोस्तों, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे दोस्तों, है ना, याद रहेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे। उसके बाद दोस्तों लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे, और लॉर्ड लुई माउंटबेटन भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे दोस्तों। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के चाचा जी, ये भारतीय सिविल सेवा में, मतलब आईसीएस में, पहले आईएएस को आईसीएस कहा जाता था, उसमें जाने वाले पहले भारतीय थे, है ना, उसमें जाने वाले पहले भारतीय थे, आईएएस में सेलेक्ट होने वाले समझ लो पहले भारतीय, पहले के अंग्रेज ही हुआ करते थे इस एग्जाम में पास। मिहिर सेन इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय थे। आचार्य विनोबा भावे एशिया का नोबल कहे जाने वाले, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य में नोबल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे, 1913 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। सीवी रमन साहब दोस्तों भौतिकी में नोबल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। रमन इफेक्ट इन्होंने 1928 में दोस्तों किया था, 1930 में इन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था, और जिस दिन इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी उस दिन को हम लोग साइंस डे के रूप में मनाते हैं, अभी पिछले हफ्ते बीता है। व्योमेश चंद बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे दोस्तों, 1885 में कांग्रेस आई थी, एओ ह्यूम ने स्थापना की थी, ठीक है। डब्ल्यू सी बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष उसके अगले साल बने थे दादा भाई नेहरूजी, जिन्हें हम ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं दोस्तों। भारत के कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों एनी बेसेंट थी, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। सुकुमार सेन दोस्तों ये भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। सुकुमार सेन भारत के पहले
चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे, याद रखेंगे ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त थे। क्लियर है, वेरी गुड। उसके बाद जस्टिस नागेंद्र सिंह, दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग नीदरलैंड में, नीदरलैंड के द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसमें पहले भारतीय अध्यक्ष जस्टिस नागेंद्र सिंह चुने गए थे। खान अब्दुल गफार खान, फ्रंटियर गांधी जी ने कहा जाता है, ये भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी पुरस्कार विजेता थे मेरे दोस्त, पहले विदेशी पुरस्कार विजेता थे। डॉक्टर सैयद जहव कासिम, भारतीय अंटार्कटिका मिशन पे जाने वाले पहले लीडर थे, ठीक है याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। लाल बहादुर शास्त्री जी, इंडिया पाकिस्तान युद्ध के बाद जब ताशकंद में समझौता करने गए, वहां उनका डेथ हो गया, मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। जी शंकर स्वरूप ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले साहित्यकार थे, जिन्हें मलयालम ओडक्कुजल में कविता संग्रह के लिए पुरस्कार मिला था। एम्स के कार्डियोथोरेसिक केंद्र के प्रमुख डॉक्टर पी वेणुगोपाल, देश में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले पहले डॉक्टरों की टीम के नेता थे, और उसमें पेशेंट कौन थे, उनका भी भैया पूरा योगदान है ना। पेशेंट थे दोस्तों देवी राम जी, पहला हार्ट ट्रांसप्लांट इन्होंने कराया था। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानवाधिकार आयोग के पहले चेयरमैन थे। मानवाधिकार आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है दोस्तों, एच एल दत्तू है ना, वैसे दादा भाई नेहरू जी, जिन्हें हम लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं दादा भाई नेहरू जी को क्या, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये दोस्तों ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय संसद सदस्य थे दोस्तों 1800। सोचो जब अंग्रेज भारत पे राज कर रहे थे, भारतीयों को ट्रेन तक में जगह नहीं मिलती थी, गांधी जी को उठा के फेंक दिया गया था, तब एक आदमी भारतीय था जो ब्रिटेन में सांसद बना दोस्तों। ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब लोकसभा, वहां का ब्रिटेन का लोकसभा, वहां पे एमपी बना दोस्तों दादा भाई नेहरू जी, जिन्होंने नेशनल इनकम की सबसे पहली गणना किन्होंने की थी, दादा भाई नेहरू जी ने ही की थी। रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों बंगाल के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति था, 1757 में प्लासी के युद्ध लड़ा था, इन्होंने ही बंगाल पे पहली बार कब्जा किया था। जाकिर हुसैन भारतीय गणराज्य के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे दोस्तों, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। जेम्स ऑगस्टन हिकी, ये पहले आयरिश व्यक्ति थे जिन्होंने एशिया में पहला समाचार पत्र लॉन्च किया था दोस्तों, ठीक है। मेजर सोमनाथ शर्मा भारत के परमवीर चक्र रिसिपेंट, पहले परमवीर चक्र रिसिपेंट कौन था दोस्तों, मेजर सोमनाथ शर्मा था थे। सोमनाथ शर्मा जी को भाई ये परमवीर चक्र मरणोपरांत युद्ध में जो है कि बहुत असीम वीरता दिखाने वाले को मिला, तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को सैल्यूट करते हैं हम सभी। फाहयान भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था दोस्तों, फाहयान किस राजा के समय आया था फटाफट बताइएगा। और अग्नि भारत की पहली मध्यम श्रेणी की क्या है दोस्तों, मिसाइल है। पृथ्वी पहली भारतीय मिसाइल है। तारापुर भारत का पहला परमाणु केंद्र है दोस्तों, और बी आर अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग यही रखते हैं, कल हमने आरबीआई पे बैंकिंग की क्लास ली है ताबड़तोड़ तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से ली है, इसे मैराथन क्लास में आपको एकदम आखिरी में मिल जाएगा। तो आरबीआई के 1.5 घंटा मैंने पढ़ाया, वो सेशन भी देख लीजिएगा। और फिर मुलाकात होगी शाम को 6 बजे 6 मंथ करंट अफेयर की सीरीज में, बिल्कुल नहीं शुरू कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर कर विजय एग्जामपुर।